हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आप लोग मुझे बाकी वीडियोस में भी, इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं आपने देखी हैं, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोस एंड आपको पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर्स प्रेफरेबल हैं। आई विल टेक अप दोज चैप्टर्स फर्स्ट एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स विल बी टेकन इन द एंड। ठीक है, आपको जो प्रेफरेंस है पहले आप वो चैप्टर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए। एंड पर्टिकुलरली कोई कंसेप्ट अगर आपको ऑडिट में समझना है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो फॉर द सेम एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड द वीडियोज़ यूजफुल। तो हम कॉस्ट ऑडिट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। For what purpose the cost auditor refers to financial records while conducting cost audit of an entity? ठीक है, ये question पूछ रहा है कि एक cost auditor है वो कब कब financial records को refer करेगा अपना cost audit करने के लिए। ठीक है, मतलब basically cost audit में financial records, financial statements जो financial audit करते हैं हम, जो stat audit होता है उसका data क्यों required है। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है फाइनेंशियल ऑडिट में नॉर्मल एंड कॉस्ट ऑडिट में। ठीक है, ये किसी भी वे में क्वेश्चंस पुट अप किया जा सकता है। नाउ व्हाट द आंसर सेज, द कॉस्ट ऑडिटर इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द कंपनी हैज़ मेंटेन्ड प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सो एज टू गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन एटसेट्रा। एक कॉस्ट ऑडिटर जो है उसको बेसिकली क्या करना होता है, एक नॉर्मल ऑडिटर को तो बैलेंस शीट पीएल पे अपना ओपिनियन देना होता है कि कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं। ठीक है, एंड एक कॉस्ट ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है कि प्रॉपर कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही। एंड क्यों उसको ये ओपिनियन देना होता है, बिकॉज कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंपनी की वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करे। ठीक है, कंपनी में कुछ भी एक्स वाई जेड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो रहा हो, क्या कहाँ कॉस्ट इंकर हो रही है, कितनी हो रही है, कौन इंकर कर रहा है, कितना यूज़फुल है, कितना वेस्टेज है। ठीक है, जो कॉस्ट आ रही है वो प्रॉपर मेथड यूज़ करके आ रही है या कुछ भी एक्स वाई जेड करके खर्चा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट में बेसिकली हम अपने एक्सपेंसेस को चेक करते हैं कि जहाँ पर भी हमारा अमाउंट लग रहा है, जहाँ पे भी कंपनी खर्चा कर रही है उसको कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, उसका क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च रही है। ठीक है, तो एक ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करने के लिए ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर जो है वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है अपना कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और उनकी भी कंपनीज एक्ट में प्रॉपर लिमिट्स गिवन है कि लिमिट्स के अगर ये पर्टिकुलर लिमिट्स हैं तब आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या फिर कॉस्ट ऑडिट करवाना नेसेसरी है। ठीक है, इन अराइविंग एट दिस ओपिनियन द कॉस्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एसर्टेन अबाउट द मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एम्प्लॉयर कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, रॉयल्टी एंड टेक्निकल पेमेंट्स, एबनॉर्मल कॉस्ट, स्क्रैप फ्यूल एट्सेट्रा। ठीक है, अब यू हैव नोटिस्ड, अगर आपने नॉर्मल ऑडिट किया होगा, अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो उसमें एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी हम शो करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पावर और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑल, आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब उसमें जाती हैं, आपकी अदर एक्सपेंसेस में जाती हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस के स्केड्यूल में कवर होती है। आप डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के साथ शो करते हो एंड उसको लिंकिंग करते हो आप एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, राइट। ठीक है, रॉयल्टी एंड ऑल भी आपकी अदर एक्सपेंसेस में जाती है। तो आपके ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं हमें इन सब की डिटेल्स चाहिए होती है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में से मिलेगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिटर जो है उनको ये सारे एसर्टेन करना होता है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को एंड अनेक्जर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इंक्लूडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, प्रॉफिट, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यूनिट कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल,
टोटल वेजेस सैलरीज एक्सेट्रा, ये बोल रहा है कि जो हमें कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देते हैं हम, उसमें हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अनेक्जर लगा के, एंड उस अनेक्जर में हम फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कंपनीज़ की, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस कितने कितने हैं, वेजेस सैलरीज क्या क्या पे कर रहे हैं। तो आपको ये सारी डिटेल एज अ अनेक्जर आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में अटैच करनी पड़ती है, ठीक है। Now it is obvious therefore that cost audit cannot be done without reference to financial books. ठीक है, कॉस्ट ऑडिट बिना फाइनेंशियल बुक्स की रेफरेंस के नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी, फाइनेंशियल बुक्स में से मिलेंगी। मोर सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक रिकन्सिलेशन दिखाना होता है जब भी कॉस्ट ऑडिट होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड का जजमेंट होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो आपको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शो करना पड़ता है कि वेजेस एंड सैलरीज एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमारे ये थे कि हमने यहाँ यहाँ खर्चा किया, लेकिन जबकि हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपने कॉस्ट रिकॉर्ड सपोज 2 लाख के दिखाए और रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं 3 लाख के, तो 1 लाख का जो लैप्स है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हमें एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जो फिगर्स यूज़ कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल फिगर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ डिफरेंस है या जिस भी रीज़न की वजह से डिफरेंस है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉस्टिंग में कंसिडर होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फाइनेंस में कंसिडर होती है, ठीक है, तो आपको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये एक मैंडेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको रिकन्सिलेशन शो करना है एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट में दिखाना होता है। तो वो बोल रहा है कि इट इज़ ऑब्वियस कि हम जो भी बना रहे हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट या कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी डन विदाउट रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल बुक्स, हमें रिकन्सिलेशन करने के लिए अल्टीमेटली फाइनेंशियल बुक्स चाहिए, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। Thus the cost statements also contain a summary of all the expenditure incurred by the company and the share in such expenditure attributable to the activities. ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो होती हैं कंपनी की, उसमें सारे खर्चों का समरी होता है कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस हुए हैं एंड वो किन किन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपने एबीसी एनालिसिस किया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिन्होंने सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स दिए हैं या देने वाले हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, तो उसमें एबीसी एनालिसिस में पर्टिकुलर हेड्स में एलोकेट करते हो कॉस्ट को। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन से एक्सपेंसेस एट्रिब्यूटेबल हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिचर नीड्स टू ऑल्सो नीड्स एलोकेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ covered by rules and activities not so covered. ठीक है, जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, जो पर्टिकुलरली रूल्स बनाए हुए हैं जिन ओवरहेड के लिए, तो उनको तो आप उसी के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट करोगे, और अगर जो नहीं कवर्ड है उन रूल्स में, उनको भी आप ओवरहेड एक्सपेंडिचर को एक रीजनेबल बेसिस लेके आप एलोकेट करोगे। Naturally, this can be done only with reference to financial ledgers. ठीक है, financial ledgers से आपको costing and all का data मिलेगा। Under Part 2 of Schedule 3 to the Companies Act 2013, quite a few matters which were to be mentioned in the Statement of Profit and Loss account of the company are also to be covered in the cost statement, such as, वो बोल रहा है Schedule 3 के according जो हम PL बनाते हैं, PL में बहुत सारी items ऐसी हैं जिनको हम cost statements में भी consider करते हैं, जैसे कौन कौन सी items हैं, consumption of raw material, purchases of stock in trade, sale of products, changes in inventory in respect of finished goods, work in progress, stock in trade, etc. ठीक है, ये सारी डिटेल्स PL में गिवन होती है, ये सब उन्हीं को समझ आ रहा होगा जिन्होंने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है प्रैक्टिकली। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो रट रहे होंगे ये चीज़ें कि ये चीज़ें गिवन होती है PL में। ठीक है, तो इन ये सारी डिटेल्स हमें कॉस्ट स्टेटमेंट में भी चाहिए। Therefore, a correlation between consumption of raw material as per the cost records and as per the financial records may throw up the need for inquiry into errors, mistakes and manipulation. ठीक है, अगर आप correlation करोगे कि cost records में इतना आ रहा है consumption of raw material, financial records में इतना आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी errors हैं हम वो check कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ error आ रहा है, कहाँ कहाँ mistakes हैं, क्यों दोनों figures में difference है और कहाँ कहाँ manipulation किया गया है। ठीक है, मे बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स को मैनिपुलेट करके दिखाया हो अपने प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स आ रही हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है वो एक्चुअल डिफरेंस है या किसी रीज़न की वजह से, या फिर वो एरर्स हैं, मैनिपुलेशंस हैं, तो हमें वो सब चीज़ें पता लगेंगी अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स को आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है,
Material discrepancy between financial records and cost records will be highlighted in the reconciliation statement. जो भी material discrepancies हैं दोनों के बीच में तो वो reconciliation statement के through हमें पता चलेंगी, which would require that the cost auditor may examine deviation from reporting on the same. ठीक है, अगर कोई भी deviations हो रही हैं तो वो report करेंगे. Thus, it is imperative for the cost auditor to refer to financial records for conducting the cost audit. Therefore, वो बोल रहा है कि cost auditor के लिए बहुत necessary है, बहुत ज़रूरी है financial records को refer करना cost audit conduct करते time. तो यहाँ पे basically वो पूछ रहा था कि cost auditor क्यों financial records को refer करे cost audit करते time. तो हमने various reasons बता दिए, basically reconciliation करना, mistakes identify करना, दोनों में correlation establish होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो financial statements में हैं जो हमें cost records में भी चाहिए तो वो हमें वहीं से मिलेंगी. ठीक है, और हमें क्यों रिकन्सिलेशन करना होता है, क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हमें ऑडिट रिपोर्ट जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है एज एन एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी होती है. ठीक है, तो बहुत जरूरी नेसेसरी है. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Like every other audit, a systematic planning for the cost audit is also necessary. Indicate the matters to be included in the cost audit program. वो बोल रहा है आप कोई भी audit करते हो तो आपको एक plan करना होता है. In the same way, आप जब cost audit करोगे तो वहाँ पे भी आपको planning बहुत ज़रूरी है. अगर आपने planning ही नहीं किया तो आप audit conduct नहीं कर पाते हो. ठीक है, आपको अगर एक हफ्ते में 10 days में 15 days में कंक्लूड करना है, रिपोर्ट देनी है, तो आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या टारगेट्स मीट करने हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको आउटपुट चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो. ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक प्लान चाहिए. जो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम जो आपका होगा उसको प्लान करते टाइम्स आप कौन कौन से मैटर्स उस प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे. ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे और क्या क्या चीज़ें चेक करोगे. नाउ मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम. इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट एनी अदर ऑडिट इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट लाइक एनी अदर ऑडिट अ सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर द कॉस्ट ऑडिट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, किसी और ऑडिट की तरह हमें कॉस्ट ऑडिट में भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. Therefore, the cost audit program should include all the usual broad steps that a financial auditor includes in his audit program. ठीक है, cost auditor वो सारे steps include करेगा अपने audit में जो कि एक financial auditor अपने program में include करता है. ठीक है, जब हम financial audit करने जाते हैं यानी कि start audit करने जाते हैं तो हम जो भी program में चीज़ें plan में अपने include करते हैं तो एक cost auditor भी similar चीज़ें अपने plan में include करेगा. This would require that the various aspects like what to be done, when to be done and by whom to be done are adequately taken care of. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये तीन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें प्लान बनाना है कि क्या करना है और वो करेगा कैसे और करेगा कौन. ठीक है, क्या करना है, क्या कैसे करना है, कौन करेगा, what, when, by whom. ठीक है, However, looking to the basic difference in the cost audit and the financial audit as allocation and apportionment of expenses, statutory requirements etc. should require special consideration. ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे हमें रिकन्सिलेशन दिखाना होता है कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट की फिगर्स के बीच में कि हमने कॉस्ट ऑडिट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर एलोकेशन किया है, कैसे अपोर्शन किया है एंड एज पर द फाइनेंशियल ऑडिट हम कैसे कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, तो ये हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्लान बनाना है. ठीक है, ये बोल रहा है कि आप प्लान में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, तो हम यहाँ पर प्लानिंग से रिलेटेड पॉइंट्स ध्यान में रख रहे हैं. Cost audit in order to be effective should be completed at one time as far as practicable. ठीक है, एक बार स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया तो within a 10 days या जितना भी टाइम पीरियड है एक ही बार में ख़त्म हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं थोड़ा अभी तो क्योंकि वो फिर कॉस्टिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा ना. आप एक टाइम पे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल देख रहे हो तो कुछ टाइम बाद तो फिगर चेंज हो जाएगी ना नेक्स्ट क्वार्टर की. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर प्रैक्टिकल हो तो एक ही बार में कर लेना चाहिए. Based on the above factors, a set of procedures and instructions are evolved, which may be termed as a cost audit program. ठीक है, बहुत सारे factors हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए तो उसको basically हम cost audit program बोलते हैं या फिर cost audit program include करेंगे.
matters to be included in the cost audit program may be divided into following two stages. ठीक है, टू स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ द रिव्यू ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. पहले तो हम रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड द अदर डेटा. पहले हम रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे कि जो भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है. देन हम अपना कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और कॉस्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे अदर डेटा के साथ. ठीक है, फाइनेंशियल डेटा हो या कुछ भी हो, हम उसके साथ वेरीफाई करेंगे कि हमारा एक्चुअल डेटा और कॉस्ट स्टेटमेंट में हमारे क्या क्या चीज़ें कवर हैं. ठीक है, पहले रिव्यू होगा, देन उसको वेरीफाई करेंगे. तो रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल इंक्लूड, हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कवर हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हैं. ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन यूज़, कौन सा कॉस्टिंग का मेथड यूज़ किया गया. मैं आपको कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको मेथड्स के डिटेल्स नहीं दूंगी, ये आप सारा पढ़ चुके हो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में. जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंथी प्रोसेसेस हैं ये. मैं बैच प्रोसेस और ये यूनिट कॉस्टिंग आपको भी पढ़ाऊंगी नहीं. ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सा यूज़ कर रहे हो, बैच कौन सा यूज, बैच प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेस या फिर यूनिट कॉस्टिंग. सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा यूज़ कर रहे हो फॉर द रॉ मटेरियल, स्टोर, स्पेयर्स, वेस्टेज, स्पॉयलेज एक्सेट्रा. ठीक है, इनके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, कैसे प्रोविजन बना रहे हो, कैसे एंट्रीज बुक कर रहे हो. ठीक है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सैलरीज, ओवर टाइम, स्पेयर्स, वेस्टेजेस एक्सेट्रा. ठीक है, वेजेस, सैलरीज, ओवर टाइम, स्पेयर्स, वेस्टेज वगैरह है, इनको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, किस टाइम पीरियड पर रिकॉर्ड कर रहे हो, एंट्रीज कैसे होती हैं. ठीक है, वो सारा सिस्टम चेक करोगे कि कैसे कैसे कंपनी प्रोसीड कर रही है. बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को किस बेसिस पे कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट कर रहे हो आप, एंड ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय प्रोडक्ट्स एंड अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कितना कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका कितना खर्चा लग रहा है. ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया जैसे HR एंड ऑल हो गए. ठीक है, उनका कितना खर्चा लग रहा है, तो आप क्या किस बेसिस पे कॉस्टिंग को एलोकेट कर रहे हो अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में. ठीक है, और आपका कितना ओवरहेड है, उनको कैसे कैसे अपोर्शन किया जा रहा है, इसका रिव्यू करेंगे. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, रॉयल्टीज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, R&D एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे राइट ऑफ कर रहे हो. ठीक है, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, SLM है, WDV है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो आप. ठीक है, मेथड ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग एंड इट्स वैल्यूएशन इंक्लूडिंग इन्वेंट्री पॉलिसीज़. ठीक है, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है, जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स का करते हो वैसे इन्वेंट्री का भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है. बेसिकली जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है आपका उसका आप ऑडिट कर रहे हो कि कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है एक्चुअल स्टॉक में और जितना बुक्स में दिखा रहे हैं. तो क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हो इन्वेंट्री टेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, एंड इट्स वैल्यूएशन इंक्लूडिंग इन्वेंट्री पॉलिसीज़, उसका वैल्यूएशन कैसे हो रहा है और इन्वेंट्री की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं. ठीक है, बजटरी कंट्रोल का क्या सिस्टम है आपका, कॉस्टिंग से रिलेटेड है, हर कंपनी बजट्स बनाती है डिफरेंट डिफरेंट, आपने बजटरी कंट्रोल चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल का क्या सिस्टम है एंड इंटरनल ऑडिट का क्या सिस्टम है, कब कब होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है और इंटरनल ऑडिटिंग का डेटा क्या है. तो इन सब का बेसिकली रिव्यू करोगे. रिव्यू करने के बाद अब आपको कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी है कॉस्ट स्टेटमेंट की अदर डेटा से. ठीक है, अदर डेटा मीन्स जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि लाइसेंस, इंस्टॉल एंड यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़. तो जो जो भी मशीनरी है आपने परचेज़ किया उसका कितना कैपेसिटी है, उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा. आप अदर बाकी डेटा से आप कंपेयर करोगे और कॉस्ट स्टेटमेंट में वेरीफाई करोगे कि क्या डेटा सही है या नहीं है. ठीक है, इंस्टॉल्ड एंड यूटिलाइज्ड कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी कैपेसिटी थी और उसमें से आप कितना यूज़ कर रहे हो, अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है, ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है. ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज़ कैलकुलेट करोगे, फाइनेंशियल रेशियोज़ आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल पोजीशन बताएगी. ठीक है, वेरियस कॉस्ट रेशियोज़ की कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है. प्रोडक्शन का क्या क्या डेटा है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सेल किए. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, वेजेस, सैलरी, स्टोर्स, पावर, फ्यूल, ओवरहेड, प्रोविजन फॉर द डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा. जितने
जितने भी टाइप के आपके खर्चे हैं, जितने भी टाइप की आपकी कॉस्ट लग रही है, तो वो कहाँ कहाँ लग रही है, क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, कितना आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, वेजेस सैलरीज एंड ऑल कितना है, इसको आप वेरीफाई करोगे जितना कॉस्ट स्टेटमेंट में गिवन है और जितना एक्चुअल डेटा है, ठीक है. अदर डेटा में कुछ भी हो सकता है, टैली डेटा चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, कि बाकी जगह पर सैलरी शीट्स चेक कर सकते हो आप वेजेस एंड सैलरीज के लिए, ठीक है. पावर एंड फ्यूल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स चेक कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं आप परचेज ऑर्डर चेक कर सकते हो, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए. तो आपको बाकी डेटा से कॉस्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, जैसे आप ऑडिट में बेसिकली वाउचिंग वगैरह करते हैं, तो ये उसी टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है. सेल्स से अमाउंट हमें कितना रियलाइज़ हो रहा है, डेटर्स है कितने टाइम में पे कर रहे हैं, एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग एंड स्पेशल कॉस्ट, ठीक है. कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है जो वंस इन अ वाइल होती है, ठीक है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट है जो बार बार नहीं होती है, वंस अ ईयर आप कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई स्पेशल कॉस्ट है जो अलग से लगी है, अलग से नेचर की है, तो उन सबको वेरीफाई करोगे कि कहाँ से आई और क्यों आई, ठीक है. कॉस्ट स्टेटमेंट्स ओवरऑल वेरीफाई करोगे कि उसमें और क्या क्या डेटा इंक्लूडेड है. फाइनेंशियल बुक से रिकंसिलेशन करना ही है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं, ठीक है. Some other factors which need to be brought into cost audit program includes जो ऊपर mentions थे कि हमें review करना है, verification करना है, उसके अलावा जो factors हमें cost audit programs में चाहिए वो that includes the cost accounting, range of products, areas to be covered, ठीक है. सिस्टम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कैसे आप कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो अलग से, क्या क्या उसके कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स भी हैं, आप वो फॉलो कर रहे हो, कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैस बोलते हैं, तो आप वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं और कौन से एरियाज़ आप कवर कर रहे हो, ठीक है. ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखोगे. इंडिकेटिंग द एलोकेशन ऑफ मैन पावर एंड द टाइम टू बी टेकन फॉर कंप्यूटिंग द ऑडिट, ठीक है. आपने आपका जो स्टाफ है, आपका जो मैन पावर है, आपने उनको कौन कौन से एरियाज़ में एलोकेट किया है और आपको ऑडिट करने में इन टोटल कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है. ये सब चीज़ें आप भी आप प्लान में इंक्लूड करोगे, ठीक है. तो आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एरियाज़ टू बी कवर्ड, कितना टाइम लगेगा, एक प्रॉपर स्कोप क्या है आपका, क्या क्या एरियाज़ रिव्यू करने हैं, क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, ठीक है. ये सारा आपका प्लान में इंक्लूड होगा. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट एक्रू बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है. कॉस्ट ऑडिट की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. अगर हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो कॉस्ट ऑडिट की वजह से मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होता है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है. तो हम बायफिकेट करके चलेंगे एडवांटेजेस को, कि मैनेजमेंट को क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सोसाइटी को क्या एडवांटेजेस हैं, शेयर होल्डर्स को क्या है एंड गवर्नमेंट को क्या है, ठीक है. तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट ऑडिट के, आपको पर्टिकुलरली अलग से क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट टू द गवर्नमेंट, टू द मैनेजमेंट, ठीक है. और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक होल्डर्स बोलते हैं बेसिकली. जैसे कंपनी में जिन्होंने शेयर्स हेल्ड कर रखे होते हैं तो उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं ना. तो अगर हमारी कंपनी में स्टॉक्स हैं या कुछ भी हैं तो जिन्होंने भी हेल्ड करके, जिनको भी कंपनी की कॉस्ट की वजह से कुछ भी बेनिफिट होने वाला है, तो उनको स्टॉक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है. नाउ कॉस्ट ऑडिट का मैनेजमेंट को क्या क्या बेनिफिट है, मैनेजमेंट का बेनिफिट देखते हैं हम. मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट विल गेट द रिलायबल डेटा फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस लाइक प्राइस फिक्सिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा, ठीक है. जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए एक रिलायबल डेटा मिल जाता है, क्योंकि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास, मैनेजमेंट के पास एक प्रॉपर डेटा है जिस पर रिलाई करके वो अपने प्राइस फिक्स कर सकती है कि हमारा इतना इतना कॉस्ट है तो इतना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम इतना अपना प्राइस फिक्स कर दें, ठीक है. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, अगर आपको कुछ और एक्सपेंस करना है, ऑलरेडी कितना हो चुका है, आपका टारगेट कितना है, तो आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो. तो इन सब के लिए आपको एक रिलायबल डेटा मिलता है, क्योंकि आपका ऑडिट भी हो रहा है तो ये डेटा चेक भी होता है, वेरीफाई भी होता है, रिकनसाइल भी होता है, ठीक है. तो आपको एक प्रॉपर रिलायबल डेटा मिल रहा है मैनेजमेंट को, यहाँ पर आपको मतलब आप मैनेजमेंट हो इस टाइम पे, ठीक है. तो आपको एक रिलायबल डेटा मिल रहा है. अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस चेक ऑन ऑल द वेस्टेज विल बी केप्ट थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, ठीक है. वेस्टेज पे चेक होता है और कॉन्टिन्यूस हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारे फालतू के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं.
inefficiencies in the working of the company will be brought to the light to facilitate corrective action. ठीक है, अगर कंपनी में सपोज आइडियल टाइम भी हम रिपोर्ट करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट में, ठीक है, कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है कि कितना फालतू का आइडियल टाइम जा रहा है, लेबर कॉस्ट कितनी है उसमें इंक्लूडेड होगा ना, तो कितना इनएफिशिएंसी, कितना अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है कैपेसिटी का, ठीक है. तो हम इनएफिशिएंसीज चेक करते हैं कि कंपनी में क्या क्या इनएफिशिएंसीज हैं. तो हम बेसिकली कॉस्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स को देखते हुए हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं कि कंपनी में यहाँ यहाँ इनएफिशिएंसीज हैं, तो इनको हम करेक्टिव मेजर्स लेके ठीक कर दें. ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बिकम्स पॉसिबल थ्रू एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल मैनेजर्स. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन वो फैसिलिटेट होता है थ्रू द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल मैनेजर्स. इंडिविजुअल मैनेजर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम एलोकेट कर देते हैं कि ये मैनेजर ये देखेगा, ये मैनेजर ये देखेगा, ये मैनेजर ये देखेगा. तो उससे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फीजिबल होता है. नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है कि बेसिकली हम ना सिग्निफिकेंट डेविएशंस जो होती हैं कि हमने एक बजट बनाया, ठीक है, एक बजट है कि हमें इतना खर्चा करना था, अगर उसमें से सपोज 10 रुपये का कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट डेविएशंस होती हैं वो डिफाइन कर रखी होती हैं कि अगर इस लिमिट से ऊपर जाएगा या ये टाइप की कुछ गड़बड़ होगी तो हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं तो हम मैनेजमेंट को तभी रिपोर्ट करते हैं जब कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंट डिविएशंस होती हैं, सो दैट कि मैनेजमेंट का जो अटेंशन है वो उन्हीं एरियाज पे फोकस हो जहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है. ठीक है, जिन एरियाज में मैनेजमेंट का एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर मैनेजमेंट को ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, वो चीज़ें मैनेजमेंट को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट डिविएशंस ही रिपोर्ट करते हैं ताकि मैनेजमेंट उस पर एक्ट करे. तो इसीलिए इसको बोला गया है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक है, कि सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम एक्सेप्शंस रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फीजिबल हो जाता है क्योंकि अगर हम अलग अलग एरियाज अलग अलग लोगों को एलोकेट करेंगे तो हर एक एरियाज का एक पर्टिकुलर जो डेविएशंस हैं वो हम मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं और एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट उस पर फोकस कर सकता है कि ये एरियाज है जिसको ज़्यादा ध्यान से देखने का रिक्वायरमेंट है. द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल बी ग्रेटली फैसिलिटेटेड. ठीक है, जब भी हम बजट प्रिपेयर करेंगे या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो हमें डेटा चाहिए वो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, हम वहाँ से डायरेक्टली डेटा उठा के फिगर्स पुट करके अपनी जो भी रिक्वायर्ड नेसेसिटीज़ हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. A reliable check on the valuation of the closing inventory and work in progress can be established. कंपनी बहुत फ्रॉड करती है इन्वेंट्री में. ठीक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक कुछ और दिखा देंगी, WIP में दिखा देगी, तो उनको चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा. एक रिलायबिलिटी, रिलायबल बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑडिटर्स जो है वो वेरीफाई कर रहा है. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट है वो चेक कर रहा है, तो एक रिलायबल डेटा है, कोई उसको वेरीफाई कर चुका है, चेक कर चुका है, रिपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट को, फाइलिंग हो रही है, तो वो डेटा रिलायबल है, वो मान के चलेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो तो बेसिकली आपको हर चीज़ में एक रिलायबल डेटा प्रोवाइड हो रहा है. तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह चेक कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक रिलायबल डेटा है, रिलायबल चेक है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था. अगेन इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. ये मैंने बताया ही है कि आपको जो भी गड़बड़ हो रही है, एक रिलायबल डेटा है तो आपके एरर्स और फ्रॉड्स तो ऑब्वियसली सामने आएंगे ही ना कि क्या क्या गड़बड़ है. नाउ सोसाइटीज़ को क्या क्या बेनिफिट है? सोसाइटी को क्या बेनिफिट है कि कॉस्ट ऑडिट जो है इज़ ऑफन इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइजेज. ठीक है, कंपनी को बेसिकली कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करनी होती है कि उसको अपने प्राइसेस फिक्स करने हैं. अब अगर वो प्राइस किसी चीज़ को 20 रुपये में बेच रहा है और सपोज़ आपने कैश कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की और आपकी कॉस्ट 40 रुपये आ रही है तो कंपनी का प्रॉफिट तो गया ना, आपको 20 रुपये का लॉस हो रहा है. हमको प्रॉपरली कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करना पड़ता है कि आपके ये खर्चे हैं, ये एक्सपेंसिव हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के प्राइस फिक्स करते हो. तो कॉस्ट ऑडिट जो है बेसिकली वो इंट्रोड्यूस होता है प्राइस फिक्स करने के लिए, और जो प्राइस फिक्स हो रहा है उससे कस्टमर्स को तो बेनिफिट होगा. सोसाइटी मींस कस्टमर्स, फाइनली जिनको प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं तो उन लोगों के पास अगर सामान जाएगा तो उनके पास एक प्रॉपर प्राइस पे जाएगा ना, एक रिलायबल डेटा से निकला हुआ जो प्राइस जनरेट हुआ है. द प्राइजेस सो फिक्स्ड आर बेस्ड ऑन द करेक्ट कॉस्टिंग डेटा एंड सो द कंज्यूमर्स आर सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि एक रिलायबल डेटा से कॉस्ट निकाली गई है, उससे आपके प्राइस फिक्स हुए हैं,
तो आपका फालतू का कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्राइस फिक्स किया जाता है, और वैसे भी ऑडिट हो चुका है तो अगेन मैंने बोला बार बार तो डेटा करेक्ट होगा ही, मान के चल रहे हैं करेक्ट होगा, फिर भी कुछ मैन्युपुलेशन हो ऑडिटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, देन इट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि डेटा करेक्ट है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सिंस द प्राइस इंक्रीज बाय सम इंडस्ट्रीज इज नॉट अलाउड विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन थ्रू प्राइस हाइक्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड कंज्यूमर्स कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। आपको इंडस्ट्री में एक इन्फ्लेशन रेट चल रहा है कि प्राइजेस में इतना हाइक हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं इसका बेनिफिट नहीं उठा सकती बिकॉज ये ओवरऑल सबके लिए होगा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होगी, तो एक पर्टिकुलरली प्राइजेस पे चेक रहेगा कि कितना इन्फ्लेशन है, कितना इंडस्ट्री का इन्फ्लेशन है, ताकि एक पर्टिकुलर कंपनी एक बेनिफिट ना ले उस चीज़ का, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज़, अगर कोई कुछ इंडस्ट्रीज उसको इंक्रीज़ करती हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक कॉमन इन्फ्लेशन रेट रख के, ठीक है। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आज 5 रुपए की मिल रही है कल अचानक से वो 15 रुपए की हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी। शेयर होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट है, कॉस्ट ऑडिट इंश्योर्स दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट एज टू परचेजेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेजेस एट्सेट्रा। कॉस्ट ऑडिट हमें एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करता है कि मटेरियल्स कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस वेजेस एंड ऑल में इनकर हो रहा है। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एंड WIPs ऑन फेयर बेसिस, ठीक है। जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और WIP है वो एक फेयर बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, उसी की वजह से हमारा प्रॉफिट आता है जब हम PL बनाते हैं, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ऑल शो करते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है बेसिकली उसी पे अर्निंग्स डिपेंड होती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो हैं उनको एक एश्योर्ड फेयर रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अगर बाकी का डेटा सही होगा तो, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस एंड ऑल सही से मेंटेन हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स जो भी कर रहे हैं शेयर होल्डर्स उनको भी एक प्रॉपर एश्योर्ड फेयर रिटर्न मिलेगा। नाउ सोसाइटीज मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स हो गया, नाउ वी मूव ऑन टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या क्या बेनिफिट है कॉस्ट ऑडिट से। वेयर द गवर्नमेंट एंटर्स इनटू कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स गवर्नमेंट टू फिक्स द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट अ रीजनेबल लेवल, ठीक है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे, जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो उसको वो तो पे कर रहा है, प्लस में एडिशनल पेमेंट करता है फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उसका 5 लाख का खर्चा आया था, गवर्नमेंट उसको एडिशनल 6 लाख पे करेगा, टोटल 6 लाख पे करेगा, तो 1 लाख का उसका एडिशनल प्रॉफिट का पेमेंट हो गया कि जितना उसका एक्सपेंस लगा उससे ऊपर उसको कुछ एडिशनल पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे कॉस्ट प्लस एडिशनल पेमेंट कुछ होता है, तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि एक प्राइस फिक्स करने पे, ठीक है। वो जो कुछ कंपनी है अगर उसका कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो एक पर्टिकुलर उसकी कॉस्टिंग की फिगर निकली हुई है कि इतनी कॉस्टिंग है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट उस रिलायबल डेटा को उठा के उसकी कॉस्टिंग की फिगर लेके उसमें एडिशनल अपना मार्जिन ऐड करके कि कितना एक्स्ट्रा पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके एक पर्टिकुलरली प्राइस फिक्स कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके पास एक रिलायबल कॉस्टिंग का डेटा तो आ गया ना, जिसपे बेस्ड उसको प्राइस फिक्स करना है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का। Now, cost audit helps in the fixation of the ceiling prices of essential commodities and thus undue profiteering is checked. ठीक है, कुछ essential commodities है जिनका एक limit fix कर देते हैं कि इन commodities का price उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो essential commodities हैं, हर कोई afford नहीं कर सकता, तो afford नहीं कर पाएगा अगर उसका कोई limit fix नहीं करेंगे तो, जो रोज़ की daily use की needs हैं तो उनका प्राइसेस फिक्स करने के लिए भी एक प्रॉपर डेटा है हमारे पास, और इसकी वजह से फालतू में कंपनीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती हैं, अनड्यू प्रॉफिट एयरिंग चेक होती है, ठीक है, कि फालतू का प्रॉफिट तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कॉस्टिंग की, क्योंकि एक इंडस्ट्री का कॉस्ट स्टेटमेंट से उनके पास एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग आ गई है जिससे उन्होंने लिमिट्स फिक्स कर दी है कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे प्राइसेस, क्योंकि कॉस्ट तो उनकी फिक्स है ना, कितनी कॉस्ट है, गवर्नमेंट के पास डेटा है कॉस्टिंग का, ठीक है, तो एक लिमिट फिक्स कर दिए ताकि उससे ऊपर अमाउंट ना जाए।
कॉस्ट ऑडिट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फोकस इट्स अटेंशन ऑन इनएफिशिएंट यूनिट्स. ठीक है, कॉस्टिंग का डेटा प्रिपेयर हुआ है तो कौन सी यूनिट्स हैं जो फालतू का खर्चा कर रही हैं, कौन सी यूनिट्स हैं जो कम खर्चा कर रही हैं लेकिन उनसे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, या फिर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कम खर्चा कर रही है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, और कुछ ऐसी हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा किए जा रही है जिनकी वजह से गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उन इनएफिशिएंट यूनिट्स पे ध्यान दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमें पता लग जाएंगी. कॉस्ट ऑडिट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज. कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, कहाँ पर अनड्यू कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पर सब्सिडीज देने की ज़रूरत है जिससे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो उनको ग्रो करने के लिए. ठीक है, कॉस्ट ऑडिट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स थ्रू ब्रॉड टू द गवर्नमेंट. ठीक है, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है कि इतना अमाउंट चार्ज कर लिया, इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, ये फ्रॉड कर रहा है, इतना प्राइस फिक्स कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये है वो है, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें चल रही हैं उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी क्योंकि कॉस्ट स्टेटमेंट्स हैं उनके पास चेक करने के लिए, तो वो वहाँ से सारा डेटा वेरीफाई कर सकते हैं. कॉस्ट ऑडिट एंड द कॉन्सिक्वेंट मैनेजमेंट एक्शन कैन क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस यूनिट्स इन एन इंडस्ट्री. दिस इम्पोजेज एन ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन. ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सब अगर कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जना 50 रुपये चार्ज कर रहा है, एक बेचारा 10 पे रह गया, फिर अगला उससे 100 चार्ज कर रहा है, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन रहेगा क्योंकि मोर और लेस कॉस्टिंग पे चेक हो रहा है. ठीक है, और कोई भी फालतू का इन्फ्लेशन रेट अप्लाई नहीं कर सकता, एक जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है कहीं ना कहीं वही सबको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके डेटा का ऑडिट भी हो रहा है, तो ऑडिटर ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर देगा, तो एक और इन्फ्लेशन पे भी चेक होता है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो कॉस्ट इन प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है, तो उस पर शॉर्ट नोट हमें लिखना है कि कितना ट्रू एंड फेयर है वो जो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं. द कॉस्ट ऑडिटर चेक्स द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई दैट द कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एज पर द रिकॉर्ड्स एंड दैट दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स डेल्ट विद बाय द अंडरटेकिंग. ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर चेक करता है रिकॉर्ड्स को, ये चेक करने के लिए रिव्यू करता है रिकॉर्ड्स को कि जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं वो प्रॉपरली बनाई गई हैं एंड ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही हैं हमें. ठीक है, एंड जो मार्केटिंग हो रही है वेरियस प्रोडक्ट्स की, अंडरटेकिंग्स की, वो भी प्रॉपर मैनर में हो रही है. तो द कंपनी के जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसके जो रूल्स हैं, द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, किनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किनको ऑडिट करवाना है, उनकी पर्टिकुलरली लिमिट्स गिवन है, 35 crores इन ऑल है कि आपको कितना कितना लिमिट है जिसमें ये सब कवर है, जिसमें कवर नहीं है. ठीक है, तो आपको एक रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली इन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब आपको ये मेंटेन करना है. प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन है एक रिपोर्ट का, कंटेन्स अजर्शंस रिगार्डिंग वेदर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपरली केप्ट सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, अजर्शंस क्या होता है, एक डिक्लेरेशन, एक टाइप्स ऑफ एश्योरेंस कि आप जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में एक डिक्लेरेशन जाएगी, एक एश्योरेंस जाएगी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है. ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12 और 143 ऑफ कंपनीज एक्ट द रेलेवेंट रूल्स ऑन ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड शिल अप्लाई म्यूटेंडस म्यूटेंडस यानी एज इट इज टू अ कॉस्ट ऑडिटर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स. ठीक है, म्यूटेंडस म्यूटेंडस का मतलब होता है एज इट इज अप्लाई करना, कुछ नेसेसरी चेंजेस लगा के. ठीक है, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन आप प्रेफर कर रहे हो सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके और आप एज इट इज़ उस चीज़ को अप्लाई करते हो. तो जो फ्रॉड के प्रोविजंस हैं हमारे कि अगर 1 crore से ज़्यादा का फ्रॉड है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, 1 crore से कम है तो हम ऑडिट कमेटी एंड ऑडिट बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, फिर बोर्ड रिपोर्ट में रिमीडियल एक्शंस भी दिखाएंगे. ठीक है, और कमेटी के जो भी
जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम वो भी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो फ्रॉड की सारी रिपोर्टिंग जो है वो एज इट इज़ कॉस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई होंगी, ठीक है, जब भी वो अपने फंक्शंस या फिर अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है इन पर्टिकुलर रूल्स में, ठीक है। इन एनी केस द ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट इज़ नोन टू अस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो ट्रू एंड फेयर व्यू का कंसेप्ट है वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट से आया है कि हमें वहाँ से हम बोलते हैं ना कि हमारे बैलेंस शीट कंपनी के जो अफेयर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें। बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, उसी को ध्यान में रखते हुए, इट मे बी अज्यूम दैट द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस डिटरमाइंड इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पे जो हम ट्रू एंड फेयर दिखाते हैं ये पर्टिकुलर हमारी कंसिडरेशंस हैं जिनको, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉलोइंग द जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। वहाँ पर हम गैप फॉलो करते हैं कॉस्ट अकाउंट, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग है, वहाँ पर हम नॉर्मल ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हम कॉस्ट इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिटरमिन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। एक जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो भी कॉस्टिंग का सिस्टम हमें अप्लाई करना है वो पर्टिकुलर सिस्टम अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। मटेरियलिटी चेक करेंगे कि अमाउंट मटेरियल है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या है सिस्टम को अप्लाई करने में एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में, कि कितना कंसिस्टेंटली सब कुछ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी मेथड में चेंज है सिस्टम में या कुछ भी है, तो वो आप डिपेक्ट करोगे। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स, ठीक है। जो आपके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है और जो कंटेंट्स है उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो रहे हैं और स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं जो भी रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ मटेरियल प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, जैसे कि हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट शो करते हैं और उनको हटाते हैं कि अब वो काम की नहीं है तो उनको रेक्टिफाई कर दो या जैसे मर्जी उसको दिखाना है, इन द सेम वे हम एलिमिनेट करते हैं हमारी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को। एबनॉर्मल वेस्टेज एंड लॉसेज एंड अदर अनयूजल ट्रांजेक्शंस बीन इग्नोर्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब भी हम कॉस्ट डिटरमिन करते हैं तो उसमें कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या फिर कोई फालतू का एबनॉर्मल वेस्ट हो रहा है तो कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकंसिलिएशन पे शॉर्ट नोट है। आंसर नंबर 1 जो हमने किया था, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन है, उसका लैंग्वेज बस थोड़ा सा अलग था। वो बोल रहा था कि हमें कॉस्ट ऑडिट करते हुए फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, तो उसमें भी हमने यही सब बताया था कि हमें रिकंसिलिएशन करना होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और जो जो चीज़ें हमें दिखानी होती हैं, जो जो हमें डिफरेंसेस चाहिए होते हैं कि दोनों के रिकॉर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, इसलिए हम मेंटेन करते हैं कॉस्ट ऑडिट स्टेटमेंट्स एंड हमें इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। तो सेम आंसर है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। मैंने आपको फर्स्ट आंसर में भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर मैं नहीं करवा रही हूँ, एकदम सेम आंसर है। आप इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन वापस से देख लेना, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म चेंज किया है, बाकी द आंसर इज़ द सेम कि हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए होते हैं। तो आप ये आंसर स्किप कर सकते हो वापस पढ़ने की बजाय, और अगर आपको पढ़ना है तो दैट्स अप टू यू, आपका सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप वापस जब करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका रिवीजन हो ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज सर्व्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमारा क्या पर्पज सॉल्व हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जो सॉल्व हो रही हैं, हम क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम ओवरकम कर रहे हैं। बेसिकली जैसे एडवांटेजेस था ना, तो एडवांटेजेस में पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि ये एडवांटेजेस हैं। ये जनरल पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑडिट की वजह से क्या क्या पर्पज़ सर्व हो रहे हैं, तो इसमें मोर और लेस थोड़ा एडवांटेजेस के भी पॉइंट्स आप डाल सकते हो, ठीक है, कि आप प्राइस फिक्स कर सकते हो,
ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या वेरिएशंस है वो पता चलता है, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर भी कवर करोगे। एंड ये ब्रॉड टर्म्स में एडवांटेजेस पूछ रहा है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली एडवांटेजेस पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको आंसर वो करना है जो पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए हमने किया था, कि मैनेजमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, ठीक है। ये पर्पस पूछ रहा है तो पर्पस में आपको थोड़ा डिफरेंट वे में आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट्स द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स एंड अ चेक ऑन द अडेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड, जो कॉस्ट ऑडिट है वो क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कि कॉस्ट अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्लान है उसको प्रॉपर अडेयर कर रहे हो, प्रॉपर कंप्लाई कर रहे हो या नहीं, ठीक है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की वेरिफिकेशन एंड कंप्लाइंस चेक होता है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहले हम वेरीफाई करते हैं फिर उनको एग्जामिन करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सच एज एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट रिपोर्ट, स्टेटमेंट, कॉस्ट डेटा एंड कॉस्ट टेक्निक्स, जो भी कॉस्ट डेटा है, टेक्निक्स है, स्टेटमेंट्स हैं, तो वो कितने एक्यूरेट है ये हम वेरीफाई करते हैं, और एग्जामिनेशन में देखते हैं कि वो प्रॉपरली कंप्लाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। पहले एक्यूरेट है या नहीं, बाद में उनका कंप्लाइंस चेक करते हैं कि प्रॉपरली कंप्लाइड है कि नहीं है। द अंडर ऑडिट सर्कमस्टांसेज मे वॉरेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये बोल रहे हैं कि ये नीचे जो सर्कमस्टांसेज मैंशन है इनकी वजह से हमें कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है, हमें कॉस्ट ऑडिट चाहिए हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस सर्व बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो वो क्या क्या पर्पस सर्व करेगा, तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेज दैट मे वॉरेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। वो पर्पस पूछ रहा है ऊपर, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप अंडरनीथ जो क्वेश्चन के पॉइंट्स गिवन होते हैं उनको हेडिंग्स भी ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में लिख देंगे। आपसे पर्पस पूछा है, क्वेश्चन में सर्कमस्टांसेस आ गया तो कन्फ्यूज़ होकर बैठ जाओगे कि क्या लिखे क्या लिखे, जबकि आंसर कुछ भी नहीं है, सेम है। तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, पहला है प्राइस फिक्सेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक प्रॉपर प्राइस जो है वो फिक्स हो सकता है, गवर्नमेंट को हेल्प होती है प्रॉपर प्राइस फिक्स करने में। नीड फॉर फिक्सेशन ऑफ रिटेंशन प्राइजेस इन द केस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा मे बी यूजफुल इन नोइंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रिटेंशन प्राइजेस क्या होता है कि जो बाहर भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जो हमारी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर नेशन के लिए अगर नेसेसरी हैं तो उनको क्या है, हम रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक प्राइस पे करती है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, कि हम आपको इतना एक प्राइस पे करेंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते रहें और वो रिटेन रहें। तो वो जो प्राइसेस फिक्स होते हैं, प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है कि उनकी ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो नेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट एंड ऑल, उनके लिए, ठीक है। कॉस्ट वेरिएशन विद इन द इंडस्ट्री, वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम यूनिट टू यूनिट इन द सेम इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑडिट मे बी नेसेसरी टू फाइंड द रीजंस फॉर सच डिफरेंसेस, जहाँ पे अगर कोई एक ही यूनिट है, उस एक ही प्रोडक्ट है, अगर उसकी कॉस्ट एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में सेम इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में एक पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट वेरी कर रही है तो हम रीजंस निकाल सकते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं उनकी कॉस्ट स्टेटमेंट्स चेक करके, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से हम डिफरेंसेस निकाल लेंगे। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, वेयर अ फैक्ट्री इज रनिंग इनएफिशिएंटली एंड अन इकोनॉमिकली, इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिट मे बी नेसेसरी, इट मे बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट बिफोर इट टेक्स ओवर एनी यूनिट। अब अगर किसी कोई कंपनी है पर्टिकुलरली लॉसेस में जा रही है और अगर उसकी नेटवर्थ बहुत कम है एंड उसको सिक यूनिट डिक्लेयर कर दिया है, बहुत इनएफिशिएंटली अनइकोनॉमिकली वर्क कर रही है, रन कर रही है, तो उसका कॉस्ट ऑडिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके कॉस्टिंग का हमें एक एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर कंपनी लैप्स कर रही है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं,
और अगर गवर्नमेंट उस यूनिट को टेक ओवर करेगी तो टेक ओवर करने से पहले उसको एक पर्टिकुलरली फिगर पता होगी कि ये कंपनी में लैप्सेस हैं, ये खर्चे हैं, ये लॉसेज हैं, उनके रीजन्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं, कौन से नेसेसरी थे, कौन से वेस्टफुल थे जिनकी वजह से लॉस हुआ। तो टेक ओवर करने से पहले उनको एक पर्टिकुलरली डेटा मिल जाएगा चेक करने के लिए। टैक्स असेसमेंट, वेयर अ ड्यूटी और टैक्स इज लेवीड ऑन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द लेविंग अथॉरिटी मे आस्क फॉर कॉस्ट ऑडिट टू डिटरमिन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो टैक्सेस हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगते हैं, जैसे पहले हमारा एक्साइज लगता था, ठीक है, अब GST आ गया है, तो एक्साइज प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग पे था, तो जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जब भी वो आप फैक्ट्री गेट से बाहर जाएगा, जब भी एक्साइज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। तो आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको एक डेटा चाहिए होता था। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कॉस्ट ऑडिट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपको एक करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है जिनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लेवी होते हैं, और हमें बेटर टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी और टैक्सिंग अथॉरिटीज़ को भी हेल्प मिलेगी अगर उनके पास एक रिलायबल डेटा होगा तो। ट्रेड डिस्प्यूट्स वाला पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। कॉस्ट ऑडिट में भी यूजफुल इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स अबाउट क्लेम फॉर हायर वेजेस बोनस एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने कोई स्ट्राइक कर दी, बोल रहे हैं हमें और वेजेस चाहिए और बोनस चाहिए, तो हमारे पास एक डेटा है कि ऑलरेडी उनको कितना पे हो रहा है, या किसी और टाइप का डिस्प्यूट्स है अगर, तो वो सब सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा तो। नाउ अगला है समराइज्ड क्वेश्चन है, जिसमें शॉर्ट नोट बोल रहा है आपको कॉस्ट ऑडिट पे लिखने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट के बारे में जो जो यहाँ पे गिवन है कि क्या कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से कॉस्ट ऑडिटर्स हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन हैं, तो आपको एक शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट बोला है तो शॉर्ट ही रखना है उसको, इतना डिटेल्स में नहीं देना है, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर सेक्शन 148, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, ठीक है। सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है कि किन किन आइटम्स का कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड है किन किन कंपनीज को। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल और लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाई दैट क्लास ऑफ कंपनीज। वो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर पास करके किस उन कंपनीज़ को जो कि प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट कर सकती है कि मटेरियल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट को कैसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यूटिलाइज़ करना है, और आप कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करोगे, ठीक है, जो भी वो कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पर लिमिट्स कवर नहीं किए इन्होंने, लेकिन अगर आपको पता होगा, आपने कॉस्ट ऑडिट चैप्टर किया होगा, हम यहाँ प्रैक्टिस मैनुअल कर रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली गिवन है फार्मास्यूटिकल्स, आर्म्स एंड एमिनेशन, तो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विस प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि इनके लिए इतनी लिमिट है, इनके लिए इतनी लिमिट है, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, रेगुलेट कर रखी हैं उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज, कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और इस्टेब्लिश अंडर सच स्पेशल एक्ट। जो भी एक पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट है उसमें जो भी रेगुलेटरी बॉडी है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कंसल्ट करके फिर किसी किसी इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करेगी कि इनके लिए मैंडेटरी है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। उनसे प्रॉपर डीलिंग करके, प्रॉपर मीटिंग करके फिर ही डिसाइड होगा। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ सच रेम्यूनरेशन एज मे बी डिटरमिंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो ऑडिट कंडक्ट हो रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो भी अपॉइंट किया है उसका जो रेम्यूनरेशन है वो मेंबर डिस्क्राइब करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो कंपनीज एक्ट के ऑडिटर्स के लिए जो फॉलो होते हैं वही वाले रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो कोई अलग से नहीं है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वही कॉस्ट अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी जो डिसक्वालिफिकेशंस हैं वही इनकी डिसक्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। No person appointed under section 139 as an auditor of the company shall be appointed for conducting the audit of cost records, and also that the auditor conducting the cost audit shall comply with the cost accounting standards, ठीक है। जो 139 में स्टार्ट ऑडिटर एंड ऑल अपॉइंट हुए हैं,
ठीक है, वो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग नहीं करेंगे, एंड जो ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है. स्टैट ऑडिटर्स एंड ऑल का कॉस्ट ऑडिट नहीं करेंगे, एंड जो कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे प्रॉपरली. द क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस जो ऑडिटर्स की कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 10 में गिवन है, जो कि स्टैट ऑडिटर एंड बाकियों को भी एप्लीकेबल है, वही राइट्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन जो है वो कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी एप्लीकेबल होगी. अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 148, एंड इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन फॉर ऑडिटिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर को सारी फैसिलिटीज, सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने के लिए. जो भी डेटा है, जो भी चाहिए, वो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी. इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल बी सबमिटेड बाई द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. कि जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जो ऑडिट किया गया है, उसकी जो भी रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्टेड जो है कॉस्ट अकाउंटेंट जो है इन प्रैक्टिस जो कि ऑडिट कर रहा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगा ऑडिट की. द कंपनी शेल विद इन 30 days, कंपनी जो है 30 days के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट जब भी उसको मिली है रिपोर्ट से 30 days के अंदर अंदर फर्निश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट विद द फुल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयर इन. रिपोर्ट से 30 days के अंदर अंदर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फर्निश करेगी, उसमें सारी फुल इन्फॉर्मेशन जाएंगी, एक्सप्लेनेशंस जाएंगी. अगर कोई भी कॉस्ट ऑडिटर जो है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, उन्होंने अगर कोई क्वालिफिकेशन दी है, कोई रिजर्वेशन दी है, कुछ कमेंट दिया है, कोई रिमार्क्स दिया है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी विद इन 30 days टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नोट के साथ हमारा कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर खत्म होता है. गाइस स्टडी वेल, लेट मी नो आपको कौन से चैप्टर प्रेफरेबल हैं, आई विल टेक अप दैट फर्स्ट. एंड अच्छे से पढ़ाई करो, 1 month रह गया है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी वेल.